हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे जीओसी के नए लेक्चर में, जहां हम हमारे नया टॉपिक मेजोमेरिक इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम इसे देखते हैं कि क्या होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेनली होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके थ्रू डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, सिस्टम्स की एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है, और जिसके कारण से सिस्टम जो है वो स्टेबल फील करता है। तो देखिए, रेजोनेंस कहाँ मतलब क्या किन कंडीशंस में रेजोनेंस हो सकता है, यानी रेजोनेंस के लिए कैसी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जितने सिस्टम्स हैं, ये जो हम अब आपको दिखा रहे हैं, ये जो है जो सिस्टम्स, जैसे कार्बोकैटायंस है, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, ये सब मौजूद है। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं, ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, और उसके बाद फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के बाद ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वैसे ही हमारा एनिलीन है, एल्डिहाइड है, और फेनोल है, ये सब जो सिस्टम्स हैं हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा रेजोनेंस कैसे होता है, और इन सब स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस कैसे होगा। तो चलिए हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि रेजोनेंस कैसे होता है। तो देखिए, जहाँ हमारा सबसे पहला सिस्टम है, ये कार्बोकैटायन है। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने चाहिए, यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसकी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले एक वन स्टेप बाय स्टेप दिखाएं आप। तो देखिए, ये ऐसा जब गया, तो हम लोग रेजोनेंस को इस साइन से दिखाते हैं, इसे क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग साइन। तो देखिए, जब ऐसा गया हुआ, इलेक्ट्रॉन जब मूव किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज जैसे है वैसा मौजूद रहेगा। और यहाँ पर अगर फिर हम देखते हैं रेजोनेंस, फिर हमारा एक रेजोनेंस होगा कैसे, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो ये जा सकता है, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर तीन हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। तो रेजोनेंस ऐसा हुआ हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा और सिस्टम्स जो है, उन सब में रेजोनेंस को करवा के, हमारा नेक्स्ट सिस्टम था कार्बो एनायन ऐसे था। तो कार्बो एनायन को अगर हम बनाते हैं, ये है, तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर इजीली वो है, प्रेजेंस है, तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, अगर हम इन वन स्टेप में अगर दिखाएं तो ऐसा हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, यहाँ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। तो ऐसे हम रेजोनेंस करेंगे ये इन केसों में। और हमारा अगर दूसरा जो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर अगर हम देखें, तो ऐसे यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो भी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, तब कैसा होगा डीलोकलाइजेशन, ऐसे यहाँ, उसके बाद ये, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया कार्बन के ऊपर। तो ऐसे रेजोनेंस होगा हमारा,
अगर इसके इस केस में अगर हम लोग रेजोनेंस को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रेजोनेंस को देखें कैसे होगा, तो देखिए हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली टेक पार्ट कर सकते हैं रेजोनेंस में। तो यहाँ पर ऐसा हुआ पहला स्टेप, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा ऐसे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड यहाँ बना, फिर ये डबल बॉन्ड जाकर यहाँ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना एक, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, तो हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हुआ। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा एक एनिलीन, कंजुगेटेड एनिलीन अगर है तो उसको देखते हैं, कंजुगेटेड एमीन, एमीन सॉरी, कंजुगेटेड एमीन सिस्टम अगर हम बनाए, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे। अगर हमारा एरोमेटिक सिस्टम हो जाए, जैसे फेनोल हो जाए, एनिलीन हो जाए, तब कैसा होगा, जैसे यहाँ पर हम देखें, जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होगा, मूव करेंगे ऐसे। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम दिखाएं, यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ था और यहाँ, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अब मूव करेगा ऐसे, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब देखिए अब जो नेक्स्ट रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर मूव करेगा, उसके बाद ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो देखिए यहाँ पर फिर से ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ गया, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फिर से वापस गया, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो देखिए हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनता है एरोमेटिक जब सिस्टम्स होगा, तो अगर ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना तो हमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, एक हमें एक ये मिला, दो तीन चार, और ये तो पहले जैसा ही है, यानी हमारे टोटल हमें फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, टोटल फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हमें।
टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिले यहाँ पर, और यहाँ से हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो इन सब स्ट्रक्चर्स का मिक्सअप होगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, तो उन्हें हम ऐसे दिए। और देखिए नेगेटिव चार्ज हमारा इस पोजीशन पर आया था, इस पोजीशन पे आया था और इस पोजीशन पे आया था। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था, यानी डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया था, और यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया था, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो एक नेगेटिव चार्ज है जो तीन जगह मौजूद है, तीन जगह पर मौजूद है, मतलब एक जगह पर कितना होगा, 1/3 पार्ट होगा, यानी हमारा ऐसा हुआ। इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें एनिलीन के लिए भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, एनिलीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसे भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें, तो इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी क्या करेंगे उसी की तरह रेजोनेंस करेगा। ये यहाँ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ये मूव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये डबल, तो फिर यहाँ से ये मूव करेगा ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना। अब ये फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये फिर से ये एक नंबर को दे देगा, ये एक नंबर फिर से यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर भी टोटल 1, 2, 3, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये बनेगा हमारा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल अमंग द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था और एक ही नेगेटिव चार्ज तीन जगह पर है, तो एक जगह पर कितना होगा, 1/3 पार्ट होगा, यानी डेल्टा बाई डेल्टा नेगेटिव बाई 3, डेल्टा नेगेटिव बाई 3 और डेल्टा नेगेटिव बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना और ये क्या होता है, इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं, देखिए
एनर्जी जो होता है, ये जो हमारे पास ये जो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो इन्हें अगर हम लोग ग्राफिकली अगर देखें तो ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आएगा। जैसे देखिए एनर्जी अगर देखें तो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो थी, जैसे हम बोल रहे थे 1 2 3 4, तो उनका अगर एनर्जी यहाँ पर हो, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ए बी सी मान ले, जैसे देखिए हम इन्हें करते हैं ए, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, तो इन सब का रेजोनेटिंग जो एनर्जी होगा, इन सब का जो एनर्जी है वो अगर जैसे ये ए का है, ये सॉरी ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, एनर्जी लेवल इतना एनर्जी है इनका, ठीक है। तो हाइब्रिड का क्या होगा, इन सब से ज़्यादा स्टेबल होता है तो सब इन सब से क्या होगा, एनर्जी कम होगा उसका, तो उसका एनर्जी अगर हम बोलें तो ये होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ये एनर्जी हुआ। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो हमारा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, ये जो डेल्टा ई आ रहा है हमारा, इसे ही हम कहते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। इसे ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, इसे ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव में होगा, और ये जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा वो जो स्पीसीज है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हमारा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप ऑफ रेजोनेंस जो है या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो होते हैं दो तरह के, एक होता है प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट, या माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो हम लोग प्लस आर या माइनस आर से ही चलते हैं, प्लस एम और माइनस एम को कंसिडर कर लीजिएगा आप। तो देखिए प्लस एम इफेक्ट को, प्लस आर इफेक्ट कौन सा ग्रुप देगा, वह ग्रुप देगा जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को किसी में बढ़ा रहा है, किसी सब्सट्रेट में या फिर सब्सट्रेट का बॉडी में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को जो बढ़ाएगा उसे हम बोलेंगे कि वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे हमारा अभी देखे थे हम फेनॉल में OH जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा था, ठीक है। और जैसे नाइट्रो ग्रुप अगर हम पकड़ें तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है बेंजीन के जो फेनॉल रिंग जो है, फेनॉल का जो बेंजीन जो रिंग है उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन को टान लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी माइनस आर इफेक्ट वो शो करता है, ठीक है। तो देखिए कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करके रखे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, और कुछ ग्रुप्स जो है माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमारे ये जो ग्रुप्स हैं, यहाँ जो हमारे इतने सारे ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। जैसे OH है, OR है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। वैसे हमारे पास NH2 है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिस्टम की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिस्टम की तरफ। और यहाँ SR है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन हैलोजन भी क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। देखिए 2-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैलोजन के पास, उसके बाद ऑक्सीजन O के ऊपर माइनस है, तो ये तो ऑब्वियसली प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। और कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारे माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, जैसे ये सब जो ग्रुप्स हैं ये हमें माइनस आर इफेक्ट को शो करेंगे, जैसे NO2, CHO। यहाँ देखिए सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, रिंग से या फिर बॉडी के किसी सब्सट्रेट के बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डिक्रीज कर देंगे किसी सब्सट्रेट के बॉडी से, तो ये शो करेंगे माइनस आर इफेक्ट। जैसे देखिए ये सब ग्रुप्स हैं, ओके। अब हम चलते हैं, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ही पढ़ा है कि जो ग्रुप्स
जो ग्रुप्स या फिर कोई भी इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जो किसी सिस्टम जो जो नेगेटिव चार्ज जो है, अगर अनायन अगर है, नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर बढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको उस सबस्टेट को अनस्टेबल कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए प्लस आर इफेक्ट जो है, प्लस आर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और डोनेट करने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाइज फील करेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव नेगेटिव एंड इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज वाले के, जिसके कारण से वो डिस्टेबिलाइज होगा, और कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यानी कार्बोकैटायन के भूख जो है, भूखा जो है वो उनके भूख को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके कारण से कार्बोकैटायन स्टेबल फील करेगा। और सिमिलरली अगर माइनस आर इफेक्ट को देखते हैं, तो माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है उसको और क्या डिक्रीज करेगा, यानी भूखा था और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, अपनी तरफ टान खींच लिया, तो क्या करेगा वो उसके भूख को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, मीन्स उसको और ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को, जो माइनस आर इफेक्ट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ ग्रुप्स हैं जो बोथ प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस आर इफेक्ट भी शो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो OH जो फेनोल था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ पुश कर रहा था, रिंग में दे रहा था, यानी क्या कर रहा है वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, यानी OH क्या कर रहा है, OH क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। और ये पीएच जो है, ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो फिनाइल जो बेंजीन रिंग है, ये रिंग क्या कर रहा है, वहां से यानी OH से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टान रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पीएच ग्रुप जो है, पीएच ग्रुप जो है, फिनाइल ग्रुप जो है, वो क्या कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। सिमिलरली अगर इस केस में देखा जाए तो ये यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ पुश करेगा, ये फिर यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर NH2 ग्रुप जो हुआ, NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। और ये जो ग्रुप है CH CH2 CH11 CH2, ये क्या कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स हैं जो बोथ प्लस आर इफेक्ट को भी शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट को भी शो करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ग्रुप जो है, ये क्या शो किया, प्लस माइनस आर इफेक्ट शो किया। और उसी चीज़ को हम इस कंपाउंड में अगर देखें, इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा फिनाइल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप हुआ, ये जो ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर शो किया था माइनस आर इफेक्ट, और यहाँ पर शो कर रहा है प्लस आर इफेक्ट। यानी कुछ कंपाउंड्स, कुछ ग्रुप्स जो है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है, वो क्या करते हैं, कभी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, कभी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, और कभी माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे फिनाइल ग्रुप है, एमो ग्रुप है, ये सब हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बोथ को शो करते हैं। जैसे देखिए, और एक अगर हम एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मेरा फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ अगर हम BH2 को लगाते हैं, तो BH2 होगा, तो देखिए यहाँ पर जो बोरोन है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट प्योर मेटल है, इसके पास क्या है, वैकेंट वैकेंट पी और वाइटल है, वैकेंट पी और वाइटल है, जो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। तो जो हेट्रो एटम बोरोन है, ये भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस में टिक पार्ट कर सकता है। ऐसा कंडीशन भी अगर रहे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये इधर जाएगा, ऐसे जाके रेजोनेंस यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो अब हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेजोनेंस जो है, नोट हमारा क्या है,
रेजोनेंस जो जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, अनलाइक द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता था, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, जितने दूर जा रहे हैं उसका इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे प्लस माइनस प्लस इफेक्ट हो, प्लस आई इफेक्ट हो या फिर माइनस आई इफेक्ट हो, वो के उसका पावर क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, घटता जा रहा था। लेकिन रेजोनेंस में डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा हर पोजिशन पे सेम रहता है। जैसा देखें यहाँ पर हमारे पास एनिलीन ग्रुप है, एनिलीन ग्रुप है, तो जो ये क्या करेगा, ये जो हमारा NH2 ग्रुप है वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कर रहे हैं रिंग की तरफ, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है रिंग की तरफ, मतलब क्या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो देखिए हम इस रिंग में, एरोमेटिक रिंग में जो हमारा ये पोजीशन होता है वो क्या होता है, इप्सो पोजीशन होता है, इप्सो, ये होता है हमारा ऑर्थो, ये हमारा मेटा, ये है पैरा, पैरा ये भी हमारा मेटो मेटा, ये है हमारा ऑर्थो। तो देखिए अगर हम लोग देखें कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH2, माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा अगर ऑफ अमीन का यानी NH2 ग्रुप का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां पर होगा, इप्सो पोजीशन पर होगा, क्योंकि सबसे करीब है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा, देन पैरा। तो इप्सो, देन में देन ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस जो है प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो इप्सो पे, मेटा पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, हर जगह क्या होगा, समान होगा, क्योंकि रेजोनेंस जो है हमारा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तब ये तो हुआ, और एक है, हाँ तो इसे हम अभी रिमूव करते हैं। तो देखिए अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग के किसी भी ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर मौजूद होता है, जैसे अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ मौजूद है, तो इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी स्टेबिलिटी को हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिटरमाइन करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो एक ऐसे प्योर बॉडी में मौजूद है जो इस बेंजीन रिंग के जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है उस यानी जो जो ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए अगर रेजोनेंस होगा तो इन ऑर्बिटल्स में होते हैं, रेजोनेंस अगर इन ऑर्बिटल में होता है, अगर रेजोनेंस इन इन सब ऑर्बिटल्स में अगर हो रहा है, इन ऑर्बिटल्स में अगर रेजोनेंस हो रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम इसकी स्टेबिलिटी को, डीस्टेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो हमें इसके स्टेबिलिटी को अगर डिटरमाइन करना हो तो हम उसको डिटरमाइन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से ही, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखें आप। तो जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के ऊपर है और डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी डिटरमाइन कीजिए कि नहीं कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं कैसे,
इंडक्टिव इफेक्ट से, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा ये क्या क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये भी क्या करेगा, शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ये बढ़ा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल अगर कोई होने वाला है तो लास्ट वाला, यानी अगर हम इसको पकड़ते हैं सी, इसको पकड़ते हैं बी, इसको अगर पकड़ते हैं ए, तो देखिए तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होने वाला है वो हमारा ये होगा। उसके बाद यहाँ पर और सिंस इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल अगर होने वाला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या होगा, तब बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ए होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और उसके बाद सी होगा क्योंकि यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है सी एस थ्री का प्लस आई इफेक्ट, यानी हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेजोनेंस। और अब चलते हैं जो हमारे जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ना सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम उसे हम डिटरमाइन करते हैं हमारे इन चार रूल्स की रूल्स को फॉलो करके। तो हमारे देखिए जो चार रूल्स हैं वो क्या है, एक नंबर रूल हमारा सबसे पहला रूल है, और इन सब रूल्स को हम एक सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को अगर चेक करना हो तो हम उसे सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में ही चेक करेंगे कि कौन, देखते हैं हम लोग अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा रूल क्या है, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब क्या, कोई भी कंपाउंड जनरली जो होता है हम जानते ही हैं कि अगर कोई कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना, वो रेडिकल है या कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो ये होगा हमारा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे जनरली न्यूट्रल स्पेसिस आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पेसिस। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा रूल क्या है, नेगेटिव चार्ज ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बन के ऊपर मौजूद है और ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, तो हम इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर वही अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर सोचें, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा घटा देगा। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर रहे कंपेयर टू कार्बन के ऊपर रहे तब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन अगर देखा जाए तो चार्ज सेपरेशन हम दो सेंस में देख सकते हैं, क्या हो जब लाइक चार्जेस हो, और क्या हो, क्या दूसरा कंडीशन है हमारा जब अनलाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस जब एक दूसरे के करीब रहेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे के जब करीब रहेंगे तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो एनर्जी बढ़ेगा, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। अगर अनलाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से एनर्जी क्या हो सकता है, डिक्रीज करेगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए इन सब रूल्स को अपने माइंड में रखते हुए हम कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और वहाँ पे उन सब के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा स्टेबल है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये अगर मूव किया इस तरफ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड,
यानी जिस स्पेसीज में, जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो सबसे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, 3 + 1 = 4, यहाँ पर 2 = 1 = 3, तो हमारा कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा एक नंबर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दूसरे से। ठीक है, अगर हम ऐसे ही दूसरे वाले अगर और देखते हैं और देखें हम, देखिए इन दोनों में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर चार्ज सेपरेशन। तो देखिए, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए तो यहां पे 2, 2, 4, 4 हो रहे हैं, यहां पर भी कितने हो रहे हैं, 4 ही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा, तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है दो नंबर हमारा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वन। ओके, तो ऐसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, और हम कुछ एग्जांपल्स को अगर देख लेते हैं, तो जैसे हम तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, CH2 ना डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, और हम मूव कर सकते हैं, तो इन दोनों में अगर हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, 4 - 4, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे नाइट्रोजन के ऊपर भी, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, तो ये यहाँ पर भी हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा दो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वन। ओके, तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना जान गए हैं, कुछ रूल्स हैं जो सिंपल रूल्स हैं उनको याद रखना है, और उनको हम लोग सिक्वेंशियली चेक करेंगे, जैसे एक नंबर सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा नंबर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फिर तीसरा हमारा नेगेटिव चार्ज ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या है, चौथे नंबर पर हम लोग चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अच्छा रेजोनेटिंग ये एक पेयर से, ये एक नंबर पेयर ये है और ये बी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर अगर हम देखें ये है हमारा, क्या एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अगर हम चेक करें तो, यहाँ पर देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का एक जो हाइड्रोजन है, यहाँ अगर टू करें तो ये हाइड्रोजन खुल के यहाँ गया है, यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एटम का मोशन हुआ है, एटम का मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, एटम का मूवमेंट हुआ है, एटम्स मूव्स, ठीक है, एटम्स का मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ पढ़ा रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम।
ओके, तो ये हमारा जो पहला वाला सिस्टम है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब हमारे दूसरे दूसरा वाला जो है वो क्या है, ये। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, सही है। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अभी हमको क्या क्या पता चला इस क्वेश्चन से, कि रेजोनेंस में एटम्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ डीलोकलाइजेशन यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ओके, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसको जस्ट रिवाइज के तौर पर रखें, प्लस रेजोनेंस यहाँ से हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी बता सकते हैं और यहाँ रेजोनेंस से भी बता सकते हैं इसकी एसिडिटी कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिटी अगर हम लोग यहाँ चेक करें, एसिडिटी अगर हम चेक करें तो क्या होगा, कौन सा ज़्यादा मोर एसिडिक होगा। तो अगर आप देखेंगे फेनोल स्टेबिलिटी हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैसे, आपको मैंने बहुत पहले ही बताया है कि हम लोग एसिडिटी को हमेशा डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंजुगेट बेस को बनाते हैं, फिनोल के केस में अगर हम कंजुगेट बेस बनाते हैं तो ये बनेगा और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। और बहुत सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे अभी हमने देखा था चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले थे। तो हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बताना मैं भूल गया था कि हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर होगा ज़्यादा, जिस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, बहुत सारे हैं, मतलब चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए टोटल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे टोटल कितने होंगे, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और इस केस में अगर हम कंजुगेट बेस को बनाते हैं, तो ये बनेगा हमारा, ये भी रेजोनेंस में जा सकता है बस, लेकिन एक ही बार जा सकेगा, यहाँ से यहाँ ये हुआ। और यहाँ पे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। अभी मैंने बताया कि जो जिस स्पेसीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो कंजुगेट बेस ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंजुगेट बेस ये ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, क्यों, ये दे रहा है एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला हमें वो क्या मिलेगा, देखिए सेम इसी की तरह है, तो क्या बोलेंगे हम इसे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देने की वजह से ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हो गया कंपेयर टू इससे। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया, तो उसका कॉन्सेप्ट भी अगर हम यहाँ पर यूज करें तो उससे हम बता पाएंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसका अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम लिखते हैं, इसके अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच नहीं सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर लिखते हैं तो ये होगा, ये यहाँ पर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, यहाँ पर कहाँ आया, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया, तो ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ गया था, ऑक्सीजन के ऊपर गया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर गया था। यानी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल है कम्पेयर टू ये दिस, ठीक है। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कम्पेयर टू दिस। इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा, एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा कम्पेयर टू फेनोल, ठीक है। और जनरली ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिड है मतलब क्या होगा, इसका एसिडिटी अदर कंपाउंड्स क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है, कंपेयर टू ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर भी वही हुआ कि ये एसिडिक एसिड है और ये फेनोल है, ठीक है, ये अल्कोहल है और ये कहाँ एक एसिड है, तो एसिड की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कुछ वजह है,
तो इस क्लास में हमने पूरे रेजोनेंस को खत्म किया, ठीक है, और हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, और हम लोग एसिडिटी, किसी का बोल के एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस उन सब में हम लोग रेजोनेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे। और इस वीडियो में हमने कुछ देखा, और हमारे जो जो नेक्स्ट पूरा चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन में जो इन सब का एप्लीकेशन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का होगा, रेजोनेंस का होगा, हाइपर कंजुगेशन का होगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना हाइपर कंजुगेशन, ओके, ठीक है।